छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के दूसरा दीक्षांत समारोह सादगीपूर्ण हुआ संपन्न। 93 विद्यार्थियों को महामहिम राज्यपाल के द्वारा गोल्ड मेडल पहनाकर व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस की रही चाक चौबंद व्यवस्था विरोध करने वाले छात्र छात्राओं ने राज्यपाल के सामने रखी अपनी मांग। पंडित बाबू राम चतुर्वेदी स्टेडियम में हुआ आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मोहन यादव, प्रदर्शक बी डी शर्मा, कलेक्टर संदीप जी आर, एसपी सचिन शर्मा, कुलपति प्रोटी आर थापक एवं कुल सचिव डॉक्टर जे पी मिश्रा सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके उपरांत यूनिवर्सिटी की जमीन पर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया गया। मुझे लगता है कि हम सब आज जो उपाधिधारक छात्र छात्राएं हैं, एमएड नीलम कुमारी उपाधि, बीएड प्रियंका सक्सेना स्वर्ण पदक, बीएड शिवम गुप्ता उपाधि, बीएड विशाल सिंह उपाधि, बीए बीएड शीलू पटेल स्वर्ण पदक, बीए बीएड दुर्गा रेटवा उपाधि, बीएससी बीएड सोमेश दीक्षित स्वर्ण पदक, बीबीएड आशीष सिंह गौतम स्वर्ण पदक। शिक्षा संकाय के उपरांत गृह विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रेणुमाला शर्मा मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ और स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रस्तुत करें आदरणीय रेणुमाला शर्मा मैडम। एमएससी गृह विज्ञान योगिता कौशिक स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगी। एमएससी गृह विज्ञान योगिता कौशिक माता की ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, यहाँ के बहुत सक्रिय ऐसे सांसद वी डी शर्मा जी, माननीय डॉक्टर कैलाश शर्मा जी, पद्मश्री अवध किशोर शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति टी आर थापक जी, उप सचिव श्री, उपस्थित संकायाध्यक्ष गण, विभिन्न परिषद के सदस्य गण, विधायक गण, अधिकारी मित्रों, उपस्थित अभिभावक गण एवं महानुभाव भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात तलवार के धनी पराक्रमी कवि हृदय विद्वानों के संरक्षक प्रजापालक महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। प्रथम दीक्षांत समारोह में मैं भी आया था। त्याग वीरता साहस और पराक्रम की इस पावन भूमि बुंदेलखंड में आकर मैं गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा। चरण पादुका नरसंहार के शहीदों का स्मरण कर भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। सबसे पहले आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जीवन में बहुत प्रगति करो, ऐसे मैं शुभकामना भी देता हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो रहा है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके पालकों और शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ, जो आपकी सफलता में अपनी खुशी देखते हैं। मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सक्षम युवा शक्ति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय परिसर में नव निर्मित भवन का लोकार्पण और आज नवीन अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन में भवन के निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन विश्वविद्यालय के विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने का प्रतीक है। भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह सार्थक पहल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने बाद आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हम अपने देश को अगले 25 वर्षों के अमृत काल में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करें। देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता और मानव संसाधन की गुणवत्ता उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसी मंच पर विराजमान हमारे सांसद अतिथि माननीय कैलाश शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय विष्णु शर्मा जी, कुलगुरु प्रोफेसर थापक जी, इस अवसर पर समस्त ईसी मेंबर, आगंतुक अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधु, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसके अपने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन अगर कोई होता है तो वो उसका दीक्षांत समारोह होता है या समावर्तन होता है। और हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से मनुष्य का वैसे तो एक जन्म अपने माँ बाप के कोख से होता है, दूसरा जन्म अपने विद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से जब वो दीक्षित होकर निकलता है तो होता है। और ऐसे में हमारे अपने लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को स्मरण करना चाहूँगा, जिनके कारण से नई शिक्षा नीति हमने लागू की है और नई शिक्षा नीति मध्यप्रदेश पूरे देश में वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में लागू की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से माननीय महामहिम को आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शिक्षा नीति में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है, आशीर्वाद दिया है, यही कारण है कि 2 वर्ष पूरे करके हम तीसरे वर्ष की तरफ इस परीक्षा सत्र के समापन के बाद पहुँचेंगे। और खास करके बुंदेलखंड की धरती पर जहाँ पर शिक्षा दीक्षा के साथ साथ वीरों की महावीरों की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, और ये तो विश्वविद्यालय महाराजा छत्रसाल के नाम पर है, जिनके कारण से यह समूचा क्षेत्र अब यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वापस नई लड़ाई ले रहा है। भविष्य की दृष्टि से वो सारी संभावना भी बनी हुई है जिसके माध्यम से देश का दुनिया में एक विशेष महत्व बनने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से एक तो मैं विनम्र क्षमा चाहूंगा कि विलम्ब से आया, लेकिन अपने इस पूरे आयोजन में मेरी अपनी ओर से जो जो उपाधिधारक विद्यार्थी हैं स्नातक और स्नातकोत्तर सबके प्रति शुभकामना है। और भविष्य की दृष्टि से भी ये जो विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह के साथ ही नए भवन का जो भूमि पूजन होने वाला है, इसके माध्यम से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हमारा प्रदेश का नहीं देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बने, ये मैं शुभकामना भी देता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाराजा बुंदेलखंड वो राजा रहे हैं या समूचा बुंदेलखंड वो राज्य रहा है जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के लिए कोई समझौता किसी से नहीं हुआ। ये अपने बलबूते पर पूरे देश के सामने एक अनोखा उदाहरण रहा है।
मेरी अपनी ओर से इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में और भविष्य की दृष्टि से होने वाले नए भवन के भूमि पूजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अरे भाई, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत है और इस क्षेत्र का गौरव है और आज उस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे ऐसे महामहिम राज्यपाल जो 24 घंटे इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए महामहिम होने के बाद वो लगातार लोगों की सेवा में मध्य प्रदेश के अंदर उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे छात्र नौजवान और उनकी आवाज महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज बुलंद आवाज बननी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय बंगू भाई पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि, इस देश के शिक्षा जगत के मूर्धन्य ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय कैलाश शर्मा जी, हमारे बीच पद्म श्री से सम्मानित आदरणीय गढ़िया जी, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति पी आर ठाकुर जी, कुल सचिव आदरणीय जेपी मिश्रा जी, सभी सम्मानित कार्य परिषद के सदस्य, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अभी हमारे सभी सम्मानित विधायक, नगर पालिका से लेकर के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, ऐसे सभी छतरपुर के इस क्षेत्र के हमारे सभी गणमान्य नागरिक और आज विशेष तौर पर जिनके लिए इस आयोजन को किया गया है, ऐसे हमारे जिन लोगों को आज उपाधियां प्राप्त हुई है, मैं उन सभी उपाधि धारक भाइयों बहनों को आज बधाई देता हूं कि महामहिम मंगू भाई जी के हाथों से आज उन्हें उपाधियां मिली है, इसलिए उनका बहुत अभिनंदन। और मैं चाहता हूं कि इस समारोह के अंदर उपस्थित सभी लोग उन उपाधि धारक सभी छात्र छात्राओं को जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, क्योंकि वो हमारे गौरव है। इस बुंदेलखंड क्षेत्र के, इस बुंदेलखंड के हमारे वो नौजवान छोटे और भाई बहन आज जिन्हें आज उपाधियां मिलेगी, इस भारत के अंदर किसी न किसी रूप में नेतृत्व करने का काम इस समाज के अंदर करेंगे। इस अवसर पर मीडिया के व्यक्ति हमारे उपस्थित हैं और मैं सभी छात्र भाइयों बहनों से आज आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया है, मुझे अवसर मिला इस क्षेत्र से बुंदेलखंड के अंदर आप सबने खजुराहो के लोकसभा के क्षेत्र से लेकर के बुंदेलखंड की जनता के बीच मुझे भी जनप्रतिनिधि के नाते से मेरे सभी सम्मानित विधायक बैठे, इस क्षेत्र के अंदर मन को संतुष्टि तब होती है कि हमें कोई काम मिला है तो उस काम को करने में आनंद होता है कि हम अपने इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर सके। और इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से आज इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में मैं महामहिम राज्यपाल जी से कह रहा था कि मुझे वो समय याद है जब इस बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल जो इस भारत के ही नहीं दुनिया के अंदर जिन्हें लोग पहचानते, जिनके कर्तृत्व व्यक्तित्व को पूरी दुनिया आज प्रशंसा करती है, ऐसे महाराजा छत्रसाल के नाम से इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में विश्वविद्यालय बने, मुझे इस बात का गर्व है कि यहाँ बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ बैठे हुए हमारे पूर्व के प्रतिनिधि हैं, यहाँ बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने छतरपुर के अंदर विश्वविद्यालय बने और महाराजा छत्रसाल के नाम से बने, इसके लिए आंदोलन संघर्ष करके लाठियां खाने का भी काम किया है। तो ये जो छात्र आज सम्मानित हो रहे हैं, इन छात्रों को मेरे भाइयों बहनों, में आज आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके लिए उन लोगों ने यहां पर संघर्ष किया है, इसलिए महाराजा छत्रसाल के नाम से विश्वविद्यालय बना है। इस विश्वविद्यालय के अंदर इस क्षेत्र के हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के हमारे नौजवान भाई और बहन, बेटे और बेटियां, इनको सागर जाना पड़ता था, जबलपुर जाना पड़ता था, भोपाल के अंदर जाना पड़ता था, आज हमें गौरव है इस बात का कि द्वितीय दीक्षांत समारोह
क्योंकि मैं भी प्रत्यक्ष दर्शी उस आंदोलन का, जिस आंदोलन के लिए जब यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, हमारी ललिता यादव जी बैठी यहाँ पर, वो मंत्री थी मध्य प्रदेश सरकार की, यहाँ पर छात्र संघर्ष कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े थे और वो मुझे फोन कर रही थी वहां से कि ये छात्र विद्यार्थी परिषद के खड़े हैं, विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, लेट गए सड़क पर। इतना संघर्ष किस क्षेत्र के नौजवानों ने किया है, इसलिए मैं आज आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इतना बड़ा अवसर आज भी विचार समारोह बुंदेलखंड के नौजवान छात्रों का महामहिम राज्यपाल जी के सानिध्य में आज हो रहा है। अखिल देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।